हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि कोई भी नंबर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू उसका स्क्वायर रूट क्यों होता है। जैसे कि 2 to the power half को हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यों कहते हैं, 3 to the power half इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, लास्ट एक वीडियो में हम लोगों ने 2 के पावर सीरीज के बारे में बात किया था। देखिए, ये जो है ये पावर को इंडिकेट कर रहा है ये नंबर, और ये 2 का पावर सीरीज हमने यहां वहां पर ड्रॉ किया था। x का वैल्यू 2 मान के हमने x का पावर सीरीज को ड्रॉ किया था। ये 2 to the power 0 है, ये 2 to the power 1 है, ये 2 to the power 2 है, ये 2 to the power 3 है, और ये 2 to the power -1, 2 to the power -2। वैसे अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा कि 2 to the power 0 या कोई भी नंबर एक्सेप्ट फॉर 0, कोई भी नंबर 2 to the power 0 ये 1 क्यों होता है, तो जरूर से उस लास्ट वीडियो को देखिएगा। उसका जो लिंक है आपको यहां आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। आज के टॉपिक में आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यही है कि कोई भी नंबर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले इस पावर सीरीज को देखें, 2 के ही पावर सीरीज को देखें। वैसे हम आज के वीडियो में 2 to the power half इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यों होता है वो देख लेंगे। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे 3 to the power half स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यों होगा, 4 to the power half स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यों होगा। अभी देखिए, यहां पर इस पावर सीरीज में आप देखिए, आपको एक पैटर्न मिलेगा। आपको कैसा पैटर्न मिलेगा? 1 इसको डबल करे 2, उसको डबल करे 4, उसको डबल करे 8। अगर 3 का पावर सीरीज होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हुए हम चलते 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो ये 2 का पावर सीरीज है, हम डबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न ये है कि आप कोई भी दो नंबर्स को जैसे 2 to the power 0 और 2 to the power 2, इन दो नंबर्स को अगर आप कंसीडर करें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको? 4। उसका स्क्वायर रूट करें तो आपको ये नंबर मिलेगा। सिमिलरली इन दो नंबर्स के लिए आप देखें 2 to the power 1 एंड 2 to the power 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा 16। उसका स्क्वायर रूट होगा ठीक बीच वाला ये जो पावर है, ये उसका स्क्वायर रूट होगा 4। तो इस लॉजिक से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहते हैं, यहां पर ये जो हाफ है, n का वैल्यू हाफ है, सो 2 का ये वाला पावर कितना होगा? 2 का ये वाला पावर लेट अस से वो इतना है, लेकिन ये कितना होना चाहिए? उस लॉजिक के हिसाब से कितना होना चाहिए? वो होना ठीक उतना ही चाहिए, क्योंकि ये हाफ जो है इन दोनों के ठीक बीचों बीच है, तो वो नंबर होना उतना ही चाहिए जितना कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्क्वायर रूट उसका निकाल ले। 1 into 2 is 2, उसका स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस लॉजिक से आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 to the power half क्यों होता है ये भी निकाल सकते हैं, और बाकी किसी भी नंबर के लिए 2 to the power half इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर क्यों होता है। बेसिकली हमें यहां पर एक पैटर्न मिलता है। इस लॉजिक से आगे बढ़ने से इस तरह का हमें एक कर्व मिलता है, जैसे कि हम 2 का पावर सीरीज कहेंगे, इस तरह का एक कर्व मिलता है। ये पॉइंट भी उसी कर्व का ही पार्ट होगा, ये पॉइंट भी उसी कर्व का पार्ट होगा। सो ऐसा नहीं है कि जो पावर्स हैं वो सिर्फ होल नंबर में ही होता है, जैसे कि 2 to the power 3 होगा, 2 to the power 4 होगा, 2 to the power 5 होगा, 2 to the power 6 होगा, ऐसा नहीं है। 2 to the power 2.2 भी पॉसिबल है, 2 to the power 2.6 भी पॉसिबल है, 2 to the power 2.9, 2 to the power 7.8, ये सारे चीजें भी पॉसिबल है। हम नॉर्मली जब पावर सीखते हैं या इस तरह के सिचुएशन में जब पावर के बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल पावर्स की बात करते हैं, जैसे 2 to the power 2 is equal to 2 into 2, 2 to the power 3 is equal to 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 is equal to 2 into 2 into 2 into 2। सो हम इस तरह से सीखते हैं, वो एक शुरुआत है, और हमें लगता है फिर 2 to the power 1.2 का मतलब क्या होगा। 2 to the power 1.2 का मतलब यही होगा जो इस पावर सीरीज में ठीक 2 to the power 1.2, यहां पर 1.2 है, सो ठीक इस कर्व में जहां पर ये मैच करेगा वही होगा 2 to the power 1.2 का वैल्यू। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।